अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेशन। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस तक चला गया था, अब ईसोफेगस से आगे वो स्टमक में जाएगा, ये सब हमने पढ़ना था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो आपको उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है स्टमक। ईसोफेगस से होता हुआ हमारा फूड स्टमक में जाएगा। ईसोफेगस से जो कि एक ओपनिंग है, पाइप है, उससे फूड होता हुआ स्टमक में जाएगा। अब स्टमक क्या है? स्टमक एक टाइप का ऑर्गन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक सैक की तरह है, जैसे एक कोई थैली होती है ना उसकी तरह है। ये मसल्स का बना हुआ होता है, बहुत सारे टाइप के मसल्स होते हैं उनका बना हुआ होता है। इसमें हमारा फूड जाता है तो ये मतलब जैसे हम आटा गूंथते ना, इस तरह से ये अपनी मूवमेंट करता है और जो हमारा फूड के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसकी शेप कैसी होती है? सबसे पहले तो ये जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है। आप वहाँ देख सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, जे शेप है। ठीक है, और ये एक मस्कुलर बैग है, जे शेप मस्कुलर बैग। जब हमारा खाना जब स्टमक में जाता है तो वहाँ से हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि खाना स्टमक में आ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टमक के पास ये जो मैंने इधर ये फोल्डिंग्स बनाई हैं, ये जूस रिलीज करती हैं जिसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो कि हमारे फूड पे एक्ट करती हैं और अपने बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करती हैं। अब जूस की खास बात यह है कि इसमें एक एसिड होता है, एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है, हमारे फूड में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल करता है। क्या काम है इसका, किल द जर्म्स। इसके अलावा हमारे जूस में वाटर और एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम तभी एक्ट कर लेते हैं हमारी बॉडी में जब तक वाटर प्रेजेंट हो। अगर वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में तो एंजाइम अपना कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वाटर तो इस लिहाज से ज़रूरी है। और बाकी एंजाइम ये क्या करते हैं कि लास्ट प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड को, जितना भी हमने प्रोटीन खाया वो बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल था तो उसे हमने कन्वर्ट करना है स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो उस पर एंजाइम एक्ट करेंगे और हमारे स्टमक में एंजाइम भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हमने खाए होते हैं उन सबको स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने वहाँ पर डायग्राम बनाई है तो मैं आपको डायग्राम को समझाती हूँ। हमने देखा था कि हमारा जो फूड पाइप था ईसोफेगस, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये नीचे आ रहा है। ये जो है फूड को जैसे ही हम गिरते हैं तो वो ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। ये स्टमक क्या है, जे शेप का ऑर्गन है। आप देख रहे होंगे ये क्या बना रहा है, जे शेप बना रहा है। ठीक है, अब इसमें फूड आया तो ये स्टमक क्या करता है, एक मतलब मूवमेंट करता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं, शुरू से बताती हुई जा रही हूँ मैं। तो ये हमारे बड़े बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ता है। अब ये छोटे तो हो गए हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा छोटे नहीं हुए कि हमारी इंटेस्टाइन की वाल से एब्जॉर्ब हो, हमारे ब्लड में जाए। तो उसके लिए गैस्ट्रिक जूस यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, और फिर ये इसमें वाटर, एंजाइम और HCl होता है। ठीक है, HCl होता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी फूड में जर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो उन्हें किल करेगा। और इसके पास गैस्ट्रिक जूस के पास एंजाइम्स भी होते हैं, ये मैंने एंजाइम्स बनाए। ठीक है,
ये क्या करेंगे कि इस फूड पार्टिकल को लेंगे अपने पास और इसे स्मॉल स्मॉल मतलब प्रोटीन्स में जो है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देगा, ताकि फिर ये आगे जाए हमारा फूड तो ये आसानी से हमारी वाइल में एब्जॉर्ब हो सके और इससे हम फ़ायदा ले सकें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा खाना स्टमक में जाता है तो वहाँ पे दो तरह की डाइजेशन होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है। तो मैकेनिकल डाइजेशन ये एक तरह की वेल्स होती है, मिक्सिंग वेल्स। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना तो उसमें भी मतलब हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ऐसे कि स्टमक जो होता है मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ठीक है, और हमने देखा था कि अभी हमारा जो है स्टमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो जब ये मिक्सिंग वेल्स आती हैं तो ये क्या करती है हमारे फूड को अच्छी तरह से गैस्ट्रिक जूस में मिक्स कर देती है। फूड जो है ये फूड के बोलस हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें गैस्ट्रिक जूस जब आएगा तो वो अच्छी तरह से इनों में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस मूवमेंट का काम यही होता है कि जो हमारा फूड है उसे अच्छी तरह से गैस्ट्रिक जूस से मिक्सअप कराए, ताकि फिर गैस्ट्रिक जूस आगे जाके केमिकल डाइजेशन करे। तो हमने देखा था स्टमक में दोनों टाइप की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल मैकेनिकल आपको पता चल गया कि मिक्सिंग वेल्स की वजह से होती है। अब हम देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन हमारी कैसे होती है। अब केमिकल डाइजेशन किसकी वजह से होती है, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। मैकेनिकल डाइजेशन ने क्या किया है कि हमारे उस फूड को अच्छी तरह से मिक्स करवा दिया है गैस्ट्रिक जूस के साथ। अब गैस्ट्रिक जूस में वाटर, एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो काम मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करेगा, हमारे फूड में जितने भी जर्म्स होंगे उन्हें किल करेगा। और अब इस गैस्ट्रिक जूस में से एंजाइम निकलेंगे जो कि हमारे फूड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एंजाइम्स आएंगे जो अपना काम करेंगे, मतलब कि प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप के हम एंजाइम बना लेते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि फूड का मॉलिक्यूल लेगा और इसे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के रिलीज करेगा। ठीक है, इसके बाद जब ये सब हमारा काम हो जाएगा, केमिकल डाइजेशन हो जाएगी, तो फूड कैसा बन जाएगा, एक सेमी लिक्विड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे काइम। ठीक है, एक सेमी लिक्विड बन जाएगा, सेमी लिक्विड बन जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे काइम। ठीक है, मतलब फूड की एक ऐसी शेप बन जाएगी, एक पेस्ट लाइक बन जाएगा और सेमी लिक्विड होगा जिसे हम कहेंगे काइम। अब ये जो हमारा काइम है ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा फूड है वो खाली होता जाएगा स्टमक, और आहिस्ता आहिस्ता सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा। ठीक है, हमारा फूड स्टमक में सेवरल आवर्स के लिए रहता है, 4 to 5। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि स्टमक में हमारी डाइजेशन कैसे होती है। अब अगले टॉपिक में हम हमारा फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया उसके बारे में डाइजेशन पढ़ेंगे कि वहाँ पर जाकर डाइजेशन कैसे होगी। अल्लाह हाफिज़।